अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारे अभी शहद रजा साहब हमारे प्रिंसिपल मदरसा दारुल उलूम गरीब नवाज आपने बोला कि हालात के 5 मिनट सिर्फ बोलूंगा आपका वक्त लूंगा, क्योंकि पिछली बार तकरीबन 40 से 50 मिनट आपका वक्त दिया था मैंने। तो मेरी एक बात शुरू करने से पहले एक दो हदीस बोलूंगा आपके सामने, क्योंकि अभी वक्त की किल्लत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बेशक जिंदगी और खबर के दरमियान नमाज और खबर से हशर के दरमियान नमाज और हशर से जन्नत के दरमियान जन्नत तक जाने वाली चीज भी है नमाज। हम लोग सबसे पहले हमको पुलसी रात पार करवाने की नमाज। इसके अलावा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की, जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने मुझसे मोहब्बत की वो जन्नत में मेरे साथ होगा। सीना तेरी सुन्नत का मदीना बने आका, जन्नत में तुम मुझे अपना पड़ोसी बनाना। अभी तक तो हम लोग हमारे उलमाए इकराम के तकरीर सुन चुके हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दश आसरा यानी कि मुहर्रम का रोजा रखते थे, और जब 63 साल उनका रुखसत का वक्त आया उस वक्त वो साल भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबी से फरमाया था कि मैं 9 का रोजा भी इंशाअल्लाह रखूंगा। मैंने तो कल का रोजा रखा था मुहर्रम का। हम लोग तकरीर सुने हैं जैसा कि इस्लाम जिंदा होता है करबला के बाद। अगर हम लोग अब जाके घर पे खाना वाना खा के अगर करबला का वाकया इत्मीनान से सुनेंगे तो बेशक मैं बोलता हूँ 100% गारंटी के साथ आंखों से आंसू निकल जाएंगे और रो पड़ेंगे। वो वाकया ऐसा वाकया है, वो वाकया के बारे में तो बयान करना होता है। मुफ्ती साहब है हमारे अब्दुल सलाम साहब भी अभी माशाल्लाह बहुत अच्छी तकरीर के अंदाज में बोल रहे थे, लेकिन यहाँ पे मजमा भी कम है, ये मौजू भी नहीं है बात करने का। लेकिन अगर सुनेंगे, मैं कल भी सुना था, सुनेंगे तो हम लोग चीख पड़ेंगे। नहीं चीखना तो हमारे इस्लाम इजाजत नहीं देता, यहाँ तक कि हमारे माँ बाप की मजद पे भी हम चीखने की हमें इजाजत नहीं था। लेकिन जरूर मैं वादे के साथ कह सकता हूँ, डंके के साथ कह सकता हूँ, करबला का वाकया सुनेंगे ये 72 उधर 22 हजार तो आंखों से आंसू निकल जाएंगे, हम रो पड़ेंगे और बहुत हम लोग परेशान हो जाएंगे कि वो वाकया क्या है। आज वो अगर उस दिन उस करबला के मैदान में अगर सब नहीं कटाए होते तो आज हमारा इस्लाम इतना नहीं फैलता। तो बहरहाल वक्त बहुत कम है, तकरीबन अभी 2-3 मिनट या 5 मिनट के अंदर मेरा एक मौजू मैं खत्म करना चाहता हूँ। जैसा कि मदरसा दारुल उलूम गरीब नवाज 2015 से शुरू होकर अभी तक यहाँ तक आया है रोल, ये एक मदरसा यहाँ तक कामयाबी इसकी यहाँ तक आई है, इसमें शौद रजा साहब की बहुत ही बहुत मेहनत है। हम लोग जानते हैं यूपी के अंदर तकरीबन 6,640 मदरसों को नोटिस दिया गया है, मदरसों को बंद करने की साजिश हो रही है, मुसलमानों पे कितने जुल्म हो रहे हैं हम लोग जानते हैं। 2014 के बाद में देखा गया तो कश्मीर का देख लिए हम, 370 का देख लिए, तलाक का मसला देख लिए, बाबरी मस्जिद का हमें फैसला मिला, इंसाफ नहीं मिला। इसके बावजूद मदरसों पे उनका टारगेट है, बाद में यूसीसी भी लाया गया है। हम लोग जानते हैं कि हमारे अंदर दीन की कमी है। आज हमारे पास तकरीबन 3,000 किलोमीटर से हमारे शहद रजा साहब यहाँ आके इतनी जिद्दोजहद करके मदरसा यानी कि दीन का मदरसा, दीनी और दुनिया की तालीम के लिए हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। इससे पहले भी गुलिस्तानबाद में बात की है, यानी कि दीन और दुनिया दो भी तालीम हमारे लिए बहुत जरूरी है। हम लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, सबकी वजह तालीम है, सिर्फ तालीम है, दुनियावी और दीनी तालीम है।
ये तालीम को आगाज देने के लिए आप यहाँ पे बहुत ही जिद्दोजहद कर रहे हैं। इंशाल्लाह हम भी आपके साथ हैं, हमारे हमारे चौधरी साहब मौलाना साहब को मैं बोलता हूँ, मैं वादा भी करता हूँ आपके साथ हूँ, हर काम में भी मैं आधी रात को आपके साथ हूँ। हम लोग को जाना चाहिए कि मुख्तसर सा बात बोलता हूँ आपको, तकरीबन तेलंगाना की आबादी है 66 लाख आबादी, जिसके अंदर हैदराबाद के अंदर 20 लाख है और रंगारेड्डी के अंदर 18 लाख, यानी कि कुल रंगारेड्डी हैदराबाद मिलाकर 40 लाख की आबादी है। और देखा गया तो महबूब नगर है, निजामाबाद है, आदिलाबाद है, 3-4 लाख और तमाम आगे तो लगभग कमोपेश 2 लाख है। इस तरह से देखा गया तो 66 लाख की आबादी है, जिसके अंदर 85% आके गरीब गुर्जा गुरबा है। 85% जो बीसी में आते हैं, हम लोग बीसी में आते हैं, 85% है। हम लोग जानते हैं कि तकरीबन आजादी के बाद 75 साल अमृत का उत्सव भी मनाया गया है, लेकिन हमारे जिंदगी में कोई अमृत नहीं मिला है। हम लोग जानते हैं कि कोई रियासत कोई गवर्नमेंट भी हो हमारे हमारे मुस्तकबिल के अंदर काम नहीं करती। हम लोग जानते हैं 75 साल के अंदर तकरीबन 52-53-54 साल कांग्रेस में थी, कांग्रेस गवर्नमेंट काम की है, ये 52 साल में जी सचार कमेटी बनी, रंगनाथ मिश्रा कमेटी बनी, कुंडू कमेटी बनी, इस तरह की कमेटी 4-4 कमेटी बनी, आदिलाबाद अलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस है, महाराष्ट्र के रिटायर्ड जस्टिस के हिसाब से 4 कमेटियां बनने के बावजूद कांग्रेस की गवर्नमेंट के अंदर जो 4 कमेटी बनी, पूरी दलित से भी बदतर है मुसलमान बोले, यानी कि एससी एसटी से भी नीचे है मुसलमान, यानी कि सबकी वजह क्या है, इल्म है, दीनी और दुनिया की तालीम है। जब तक तालीम नहीं होगी तो हम किधर भी भटकेंगे, कुछ नहीं मिलेगा। हमारे बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे, उनका मुस्तकबिल बनेगा तो आगे बढ़ेंगे, तो वो कल किसी के पास हाथ फैलाने के मोहताज नहीं बनेंगे। कोई भी मैं बोलता हूँ, हमारे लोग भी बहुत से इधर उधर भटक करते लीडरों के पास, लेकिन सबकी अपनी अपनी मजबूरी है। ना चाहत खींच लाती है, ना मोहब्बत खींच लाती है, मुझे तेरे घर मेरी जरूरत खींच लाती है। इस तरह से जरूरत है हमारी खींच के ले जा रही। इसकी सबकी बुनियादी वजह है इल्म है। हम इल्म के लिए हम लोग जिद्दोजहद करना है, हम आगे बढ़ना है, हम लोग पढ़ना है, पढ़ेंगे ही तो कुछ कर सकेंगे ना। बहुत से दुश्मन आ गए, इस्लाम बोलते हैं कि इस्लाम को खत्म कर देंगे, कहां से खत्म करेंगे। देखो प्यारे प्यारे बच्चे यहाँ बैठे हैं, सबके सीनों में इंशाल्लाह कुरान पूरा भरा जाएगा। क्या क्या खाली करेगा तू, क्या क्या खाली करेगा सीनों के अंदर हमारे, जब कुरान होगा तो क्या क्या खाली करेगा। हम लोग जब आगे बढ़ के जब शहूद रजा मौलाना साहब के जैसे लोगों को हम लोग साथ देंगे तो ही हम आगे बढ़ पाएंगे। और हम जब तक नहीं पढ़ेंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 1947 से लेकर आज तक भी देखे तो हम मुसलमान हर जगह परेशान है, सोशली परेशान है, एजुकेशनली परेशान है, इकोनॉमिकली परेशान है, हर चीज से हम परेशान है। हम लोग को क्या है, अगर गवर्नमेंट के जरिए पे हम जाना है तो हम इतिहाद बनना पड़ता, मसला अलग है। जैसा कि हमारे अब्दुल सलाम साहब ने फरमाया था, मसला अलग है, मसला अपने अपने घर पे, लेकिन जब बात आती है फोन की तो हम सबको एक होना पड़ता है। अभी देखिए, अभी बहरहाल में यूसीसी का आ गया है, नया बिल आ रहा है, अभी सेशंस में रखा जाएगा, ये बिल भी लाया गया है, ये बिल भी हमारे शरीयत के खिलाफ है। जैसा कि शरीयत के खिलाफ है, शादी है, तलाक है, एडॉप्शन यानी कि गैर के बच्चे को हम नहीं ले सकते, गैर के बच्चे को नहीं अपना सकते, एडॉप्शन गैर को एडॉप्शन है, उस तरह से विरासत है, विरासत के ताल्लुक से भी वो लोग बोल रहे इक्वल, सबको इक्वल। हम लोग भी आज इक्वल नहीं कर रहे हैं, आज वो इक्वल कर रहा है। जब अल्लाह के अहकाम को कोई नहीं मानेगा तो अल्लाह ताला फरमाता है मैं एक जालिम बादशाह को मुसल्लत करता हूँ। उसी तरह से आज देखिए, हम नमाजों की पाबंदी नहीं है, दीन के अंदर हमारी पाबंदी नहीं है, रिश्तेदारी के अंदर हमारी पाबंदी नहीं है, विरासत के अंदर हमारी पाबंदी नहीं है। अभी हमारे मुफ्ती साहब के 2-3 दिन पहले सुना था, क्योंकि हमारे इस्लाम के अंदर बहन को भाई का अगर इंतकाल होगा तो बहन का हक है, बाप अगर इंतकाल कर रहा है तो बेटी को हक है, अगर माँ इंतकाल कर गई तो बेटी का हक है, अगर शोहर इंतकाल गया तो फिर औरत को बीवी को हक है, यानी कि एक औरत को 4 तरफ से हक मिलता है। लेकिन आज हम में से सबके दिलों पे हाथ रख के हम लोग सोचना चाहिए कि हम आपकी कौन सी बहन को हम दे रहे हैं। इसीलिए ये जालिम आके आज कहता है कि आज बराबर का हिस्सा देंगे,
यानी कि सूरह निसा की आयत नंबर 7-8 यानी कि चौथी सूरत कुरान की सूरत चौथी सूरत सूरह निसा की आयत नंबर 7-8-9-10-11 में अल्लाह ताला ने पूरा उसमें भरपूर रख दिया है कैसा कीजा दिया विरासत कैसा बंटवारा करना है। सूरह निसा की आयत नंबर 7 और 8 में ही है कि पहले जिक्र है, पहले बच्ची का जिक्र है, लड़के का जिक्र नहीं है। कुरान आपके पास भी है, तेलुगु में है, तमिल में है, हिंदी में है, उर्दू में है, तेलुगु में है, पढ़ के देख सकते हैं। सूरह निसा की आयत नंबर 7-8-9 में आप देख सकते हैं कि पहले जिक्र जब आया है बाप की प्रॉपर्टी में तो पहले बहन का, पहले बेटी का हक आया, बेटी का एक हिस्सा तो फिर बेटी के दो हिस्से। इस तरह से हम लोग सब गाफिल हो गए हैं, हम लोग हमारे अहकाम को पूरे अंजाम नहीं दे रहे हैं, तो आज ये सब हम पे मुसलसल हो रहा है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत से हमको दुआ है कि हम सबको भी ये हमारे दिल को समझ के, जैसा कि हमारे लिए सर कटाए, सर झुकाए नहीं, सर कटाए। सर कटाने के बाद हमारा जब इस्लाम ये आया है तो हम इस्लाम को इसको इसके उरूज पे ले जाना है, हमको आगे बढ़ना है, सबको संभाल के, सबको लेके, सबको आगे लेके बढ़ना है। और हमारे दीनी भाइयों से खास करके, यहाँ तो हमारे भाई कुछ लोग ही है, भाई लोग है, हमारे कमिटी के हजरात भी है, खुदारा मैं आपसे अजनन गुजारिश करता हूँ कि आप ईमान के पीछे नमाज पढ़ते हो, ईमान की शिकायत मत कीजिए, वो ईमान की शिकायत मत कीजिए। वो ईमान 2-2, 3-3 हजार किलोमीटर से यूपी से, बिहार से, बंगाल से आके यहाँ खिदमत अंजाम दे रहे हैं। आप लोग भी जानते हैं, आप लोग भी गरीब गुरबा है, आप भी लोअर मिडिल क्लास में है, आप भी जानते हैं कि आज मिनिमम एक लेबर भी 800 रुपए लिए मजदूरी लिए बगैर काम नहीं कर रहा है। गुलिस्ताबाद में मैं ये मौजूद पे बात किया था, तकरीबन 800 बने से भी उसको 24,000 रुपए मिल रहे हैं। आज हमारे इमामों को कितना मुआवजा दे रहे हैं, कितना हदिया दे रहे हैं आज। फरहाल आपसे गुजारिश करता हूँ कि इमामों की बात, उन इमामों के पीछे कोई भी हमारे भाई लोग होंगे इमाम के बारे में कुछ बुरा भला ना कहें, इमामों के अगर तनख्वाह जहां भी, जैसे कि मैं बोला था, कुछ भी कम है, मुआवजा कम है, तो मैं मस्जिद बैतुल्लाह की जानिब से अभी 4 मसाजिद हो गए और 2 मसाजिद है, मस्जिद अली है, उनका एक है और एक मसाजिद 40 नंबर की मसाजिद है। इसके साथ ही आज मैं ये भी ऐलान करता हूँ कि हमारे मदरसे गरीब नवाज, दारुल उलूम गरीब नवाज के भी हर महीना कुछ एक पैसा देने का इंतजाम मैं करता हूँ, ज़कात के पैसों में से हो गया या दूसरे कोई भी पैसा, हर महीना, क्योंकि बुजुर्ग भाइयों अभी मस्जिदें तो बहुत हो चुकी है लेकिन मदरसों की बहुत जरूरत है। आप देख लीजिए आज डॉक्टर इंजीनियर बना रहे हैं, बच्चों को कहाँ है सऊदी में, इधर उधर अमेरिका में, लंदन में रह रहे हैं, लेकिन कल आप इंतकाल कर चुके तो आपका नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए आपके औलाद को, एक औलाद 4 है तो 4 में से एक औलाद को हाफिज बनाने की बहुत जरूरत है, आपको बहुत जरूरत है। आप रोज के डालिए तकरीबन 25-30 मसाजिद है कतोरंग के अंदर, कौन लोकल का एक हाफिज कौन इमामत कर रहे थे, सब बाहर से वहां से आ रहे हैं। हम लोग भी यहाँ पे तैयार करें, पढ़ाए लिखाए, माँ बाप की तरबियत जो बच्चों को दी जाती है बचपन में, देने के बाद ही बच्चे औलाद बन के आते हैं, फिर वो हमारे दीन का रहनुमाई करते हैं, हमारे दीन को फैलाने का काम हमारे बच्चे, आज ये हमारे बच्चे हैं, कल के हमारे मुस्तकबिल हैं। लिहाजा बहुत वक्त ले चुका हूँ इसके, तो इसी के अलावा मैं हमारे मुफ्ती साहब का, तमाम उलमा-ए-किराम का, सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हुए चल जाता हूँ। वाकई अलहम्दुलिल्लाह।